और खबर रायपुर से ही है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। मस्तिष्क को सक्रिय करने की कोशिश लगातार की जा रही है और अब ऑडियो थेरेपी का फायदा भी जोगी को होता नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी वेंटिलेटर पर हैं, उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया था जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। बताया ये जा रहा था कि उनके ब्रेन में सूजन है जिस वजह से उन्हें कोमा में रखा गया है और इस बीच कुछ दिन पहले उन्हें ऑडियो थेरेपी भी दी गई थी। उनके हृदय गति में कुछ परिवर्तन भी देखा गया था लेकिन एक बार फिर से उसी तरह से स्थिति। सीधे रायपुर का रुख करेंगे, हमारे साथ स्टेट एडिटर धर्मेंद्र जायसवाल लाइव जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र जी, हाल ही के दिनों में थोड़ा सा सुधार जरूर देखा गया था ऑडियो थेरेपी के जरिए, लेकिन अब फिर से हालात वैसे ही नजर आ रहे हैं। डॉक्टर्स की तरफ से और क्या कुछ कहा गया है? ये देखिए, जो उनका मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ है उसमें ये कहा गया है कि मस्तिष्क को एक्टिव करने की जो कोशिश की जा रही है, ब्रेन एक्टिवेशन का जो प्रयास किया जा रहा है, उसमें कोई सफलता नहीं मिल पा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे थे, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी उनका हालचाल जानने के लिए गए थे, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, राज्यपाल अनुसुईया उइके, तमाम लोगों ने जाकर के उनके कुशलक्षेम की जानकारी ली है। डॉक्टरों ने उनको भी जो जानकारी दी है और जो मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ है उसमें भी ये कहा गया है कि उनका हृदय गति नियंत्रित है, ब्लड प्रेशर सामान्य है, नियंत्रित गति पर है, ये वेंटिलेटर की वजह से ये सारी गतिविधियाँ नियंत्रित हैं, लेकिन उनको जो ब्रेन एक्टिवेशन होना चाहिए उनका ब्रेन एक्टिव नहीं हो पा रहा है, कि कोमा में लगातार बने हुए हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद, इंफ्रारेड देकर के भी कोशिश की गई है, ऑडियो थेरेपी देकर के भी कोशिश की गई है और जो दूसरे प्रयास हो सकते हैं वो सारे प्रयास डॉक्टर लगातार कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई बड़ी सफलता अभी तक नहीं मिल पाई है। मंत्री कवासी लखमा जब अजीत जोगी से मिलने गए थे तब उनकी आवाज़ सुनकर जरूर एक उनके चेहरे पर जुम्बिश हुई थी और इसके बाद एक बार उनके हाथ के अंगूठे में एक जुम्बिश दिखाई दी थी। इसके अलावा और कोई गतिविधि उनके शरीर पर नहीं है, तो इसको लेकर के डॉक्टरों की चिंता बनी हुई है। उनके समर्थक इस बात को लेकर के लगातार ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके स्वास्थ्य में सुधार क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या स्थिति है, इसको लेकर के लगातार जिज्ञासा बनी हुई है। लेकिन अजीत जोगी का जो ब्रेन एक्टिवेशन है वो उसमें कोई फायदा होता दिखाई नहीं दे रहा है, कोशिश लगातार जारी है, देखिए कब तक इसमें डॉक्टरों को कोई सफलता मिल पाती है या क्या स्थिति बनती है, ये आने वाले दिनों में दिखाई देगा। जी, बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी इस तमाम जानकारी के लिए।